नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है, जो हर साल की तरह इस साल भी बाबा शमशान नाथ की होली जमकर खेली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनेकों रूप धारण किए भक्तों ने चिता भस्म की होली खेली। और इस दौरान भक्त नाचते गाते जलते चिता के पास भस्म की होली खेलते हुए नजर आए। वहीं नगाड़ों और घंटे घड़ियाल के बीच बाबा की भव्य आरती उतारी गई। आज तो बाबा मशान नाथ की होली हो रही है। हर साल बाबा के भक्त मशान पे होली खेलने आते हैं। आप सभी जानते हैं रंगभरी एकादशी थी, कल रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ होली खेलते हैं और उसके उपरांत दूसरे दिन द्वादशी को बाबा शमशान नाथ होली खेलने आते हैं। औघड़दानी बाबा भूतनाथ बाबा होली खेलने, पागलों की टोली के संग खेलने आते होली। खबर बस्ती से है, जो एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 120 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 1.63 लाख बताई जा रही है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने सर्विलांस टीम की मदद से लोगों को उनके मोबाइल वापस किए। बता दें कि मोबाइल बरामद करने वाली टीम को उचित इनाम दिया जाएगा। मोबाइल बरामद हुई है, कैसी मोबाइल जो है जो बरामद हुई है आज? कई सारे मोबाइलें जो लोगों के द्वारा वो गुमशुदा हो जाती हैं या कहीं पे छूट जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन पुलिस कार्यालय पर और थानों पर प्राप्त होती रहती है। उसी क्रम में आज 15 मार्च को हमने 120 मोबाइल बरामद करके उनके संबंधित मालिकों को दिए हैं। इन सभी मोबाइलों की मार्केट वैल्यू लगभग 16.5 लाख रुपये होगी। इन 120 लोगों को जो आज ये मोबाइल वापस दिए जा रहे हैं, इनके चेहरे पर जो खुशी है ये हमारा पारितोषिक है। और ये जो जिसने हमारी जो सर्विलांस की टीम है जिसने इतना अच्छा काम किया है, उनको भी हम लोग उचित इनाम दे रहे हैं। खबर फतेहपुर से, जहां दूसरे के मकान पर सीढ़ी लगाकर अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों ने ईंट और सरिया के दंपति को मारपीट कर घायल किया। पुलिस की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। तो विष्णु मिश्रा के जिसके बगल में मकान है हमारे जस्ट बगल में, उनके तरफ से जो है सीढ़ी लगा के चढ़कर आए तो उनके जीना का दरवाज़ा जो है खुला था, तो उस जीना से चढ़कर हमारे छत में चढ़ कर के आए। तो क्या कितने लोगों को मारपीट हुई है? एक 3 लोगों को, हमको, हमारी वाइफ को और लड़के को। हमको गार्ड से मारा और फिर यहाँ ईंटें मारा है, कर गया है। अब वाइफ को चाकू मार दिया है। मारपीट की गई है और इनके सिर में चोटें आई हैं। और जैसा कि इनके अनुसार, मरीज के अनुसार लूट की घटना बता रहे हैं, पुलिस में FIR हो चुका है, बाकी विवेचना हुआ करो। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 3 लोग आए। क्या ज़्यादा इंजर्ड हैं? हाँ, सिर में चोटें आई हैं। आए हैं चोर, और पहले मास्टर साहब को मारे हैं, उनको बेहोश कर दिए, फिर लड़के को मारा है। साथ में 2 बच्चे थे और उनके पापा थे। कितने लोग थे मौके पे? कहाँ जो आए थे घर पे? नीचे तो एक ही आया था और ऊपर। कितने लोग थे ये नहीं पता चल पाया, हमको मार दिया था, हम ऊपर जा भी नहीं पाए, याद नहीं। कई बजे घटना है? ये 2:30 बजे। इस घटना में चोरों ने दंपति के साथ मारपीट भी किया है। वहीं मकान पर सीढ़ी लगाकर बदमाशों ने चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे, जहां पर दंपति मौजूद थे, जिसके साथ चोरों ने मारपीट भी की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या कुछ पूरी घटना बताई जा रही है और ये चोर कहाँ के थे? है कि ये मामला फतेहपुर कोतवाली के तांबेश्वर नगर का मामला है, जहां पर एक पड़ोस के रहने वाले विष्णु मिश्रा के घर से अज्ञात चोरों ने सीढ़ी के माध्यम से बगल में रहने वाले एक शिक्षक के घर में कूद करके धावा बोला है, जहाँ पर 1.5 लाख जो है के जेवरात और लगभग लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। पर अगर जहां ये बात की जाए
तो परिजनों की बाइट जो लगी है उसमें उनसे पूछा भी गया है कि आखिरकार ये चोरों को क्या पहचाना है, तो उन्होंने चोरों को पहचानने से इनकार कर दिया है। और इस घटना में जो उन्होंने बदमाशों ने जो उनको मारा पीटा है, सरिया का इस्तेमाल किया है, ईंटों का इस्तेमाल किया है, पिता पुत्र और पत्नी ये तीनों घायल हैं। रात को ही जैसे सूचना पहुंची है तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सबसे पहले तो हॉस्पिटल पहुंचाया इलाज के लिए, और तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका। खबर फतेहपुर से है, जहां पर पति पत्नी के पति अगाध प्रेम को देखते हुए पति ने पत्नी का मंदिर ही बनवा दिया। पति हर रोज प्रतिमा को नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर पूजा आरती करता था, वहीं पति पत्नी के बीच अगाध प्रेम को देखकर लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर हमीरपुर से है, जहां खाद्य विभाग ने कस्बे में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। वहीं छापेमारी के दौरान टीम में क्षेत्र अधिकारी अभिहित अधिकारी राम अवतार सिंह के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। कृष्णा स्विच से चार टाइप के नमूने भरे गए, दो खोए की, एक रसमलाई का और एक लड्डू का है। क्योंकि जान रहे आप होली का त्यौहार नज़दीक है और इस समय ये जरूर आशंका रहती है कहीं कहीं कोई मिलावट है या कुछ है, तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना और उनको अच्छी गुणवत्ता की मिठाई मिले, इसलिए बीच बीच में सैंपलिंग की जाती है, विशेष तौर से त्यौहारों के सीजन में जरूरत है। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के नेतृत्व में लगातार राजधानी के पुलिस अपराधियों के ऊपर नकेल कसते हुए नजर आए। बता दें कि बीते दिन पत्तल व्यवसायी ऋषि गुप्ता के घर में 3 लाख रुपए और जेवरात लूटने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के पीसी में स्वागत करता हूं और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि दिनांक 12/3/2022 को जो एक घटना श्याम विहार कॉलोनी में घर में घुसकर लूट करने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर हम लोग काफी चिंतित थे और उस पर काफी अथक प्रयास करने के पश्चात हम लोग के हाथ में सफलता लगी। थाना मड़ियाओं पुलिस टीम एवं अपराध शाखा द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम जो है पंकज के रूप में उसका शिनाख्त हुआ, क्योंकि उसको उस समय चोटिल हो गया था, इसलिए उसके पश्चात उसको अस्पताल ले जाया गया प्राथमिक इलाज हेतु। आपको बता दें कि लगातार लखनऊ पुलिस जो है वो चोरों बदमाशों गुंडों पर शिकंजा कस रही है। वहीं अभी हाल ही में एक चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था, जिस घटना में पुलिस ने लुटेरे पर एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की है और चोरी के सामान भी बरामद किए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, क्या कुछ यह पूरी घटना है और इन चोरों में क्या किसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ और सामने निकल के आया है? पिछला अगर बात करें तो मरियाओं थाना में बिगड़ते आपके हफ्ते दिन पहले पत्थर व्यवसायी ऋषि गुप्ता के परिजनों को बंद कर 3 लाख रुपए की जो आरोप उन्हें उठा ले गए, साथ ही साथ इस मामले को देखते हुए को नजर बनाए हुए था और साथ ही जो अभियुक्त 4 लोग थे उनको अगर बात करें लुटेरों को गिरफ्तार किया जा सकता है। नामक जो एक बाकी है फल भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसमें तमंचा पकड़े हुए जो पीड़ित है आपके ऋषि गुप्ता उनके द्वारा उनकी शिनाख्त की गई कि ये बच्चा भी साथ में और बच्चे को भी आगे कोर्ट में भेजा गया है और उसमें बच्चों की दिया जाएगा तो उन्हें जुनाइल जेल में रखा जाएगा। वहीं
पुलिस को पूरी जो मामले थे उसमें लगभग 3 लाख की चोरी बताई जा रही थी, मगर मौके पर 50,000 नकदी मिली और साथ ही सोने चांदी के कई सारे जेवरात मिले। जी जी विवांशु, क्या इन चोरों का कोई गिरोह बताया जा रहा है? विवांशु, क्या इन चोरों का कोई गिरोह है? लोग बैठ के कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ थी और ये लोग वही उनकी तरफ से बताया गया, जो बच्चा था उनसे बताया गया कि जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। खबर बदायूं से है जहां पर एक बाइक दबकर चकनाचूर हो गया। दरअसल मोहर सिंह ने अपनी बाइक को एक तरफ खड़ा किया था, उसी समय बदरपुर से लोड ट्रक मोटरसाइकिल के ऊपर गिर गया और मोटरसाइकिल चकनाचूर हो गया, जबकि इस दौरान किसी को कोई भी चोट नहीं आई है। खबर आगरा से है जहां एसएन मेडिकल कॉलेज की 8 मंजिला सर्जरी बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने से कॉलेज में भगदड़ मच गई और वार्ड में भर्ती मरीजों को उनके तीमारदार गोद में लेकर अस्पताल से लेकर बाहर भागने लगे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और मरीजों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम रेखा बंसल। रेखा, ये कौन है आपकी? मेरी मम्मी है। ये क्यों यहाँ पे लिटा रखा जमीन पे? ऊपर बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर मरीजों को नीचे भेजा है। व्यवस्था नहीं अपने आप से, कैसे पूरी घटना बताओ? देखिए, पूरी घटना है कि वहाँ आग लगी थी, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो बुझाने की पहले कोशिश करी गई, पूरे में धुआं हो गया जितने, क्योंकि मरीज ज्यादा थे और स्ट्रक्चर वगैरह ये चीजें कम थी, जिस वजह से जिनको जो मिला वो लोग वैसे, और जो ओटी में साथ मरीज था तो उसको तो कांच तोड़ के बाहर निकाला गया क्योंकि इमरजेंसी में बिल्कुल सारी लाइट्स बंद करनी पड़ी। एसएन मेडिकल कॉलेज की सर्जरी एलाइड बिल्डिंग के बेसमेंट में जो है कूड़ा पड़ा हुआ था जिसमें आग लगी और वो उसका धुआं जो उठा वो डेक के थ्रू ऊपर के फ्लोरों पे पहुंच गया था, जिससे पब्लिक को पैनिक हो गया और लोग भागने लगे। कितने मरीज करीब थे? संभवतः 50 के करीब मरीज रहे। नहीं, कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। मैं मौके पर, स्थिति सामान्य है और मेडिकल के जो स्टाफ है प्रिंसिपल साहब के मौके पर उनके सहयोग से दूसरे वार्डों में शिफ्ट करा दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।